बेस्ट व्यूअर्स की नीश कौन सी है, चैनल लोकेशन क्या रखे, चैनल क्रिएशन से लेकर कंटेंट और कैसे बनाना है, ये सब आपको पता चलने वाला है। गाइज वैसे तो ये सब इस चैनल के लिए काफी ज्यादा नीश है, लेकिन सबसे बेस्ट नीश मुझे लगती है दैट इज हिस्ट्री शॉर्ट्स, क्योंकि गाइज ये चैनल के शॉर्ट्स के व्यूज देखो 1 करोड़ 1.3 करोड़, और आज के टाइम इसने बस 22 वीडियो में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर कर लिए, और ऐसे एक नहीं काफी ज्यादा चैनल आपको यूट्यूब पे देखने मिल जाएंगे। और फन फैक्ट ये है कि गाइज ये सारे चैनल ना AI ऑटोमेशन से चलते हैं, तो इसलिए गाइज मैंने भी सोचा कि मैं भी ऐसी शॉर्ट्स बनाऊंगा, वो भी एक AI टूल से, जिससे मैंने इन जस्ट 10 मिनट्स में ऐसी शॉर्ट्स बनाई। हाँ गाइज मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्रीव्यू देख लो। Did you know that in ancient times, men had to duel for the chance to sleep with a queen? In a kingdom long forgotten, the queen's favor was a prize worth fighting for. Brave knights would face each other in fierce battles, swords clashing under the moonlight. The winner would earn a knight in the queen's chamber, a reward as coveted as the crown itself. These duels were not just about strength, but also about honor and courage. Imagine the tension, the stakes, the glory. Dive into this fascinating tale of love, power, and bravery. Stay tuned for more intriguing stories from history's hidden corners. All right, आपको जानकर हैरानी होगी गाइस, ये शॉर्ट्स की स्क्रिप्ट, वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर से लेकर 3D इमेज जनरेशन सब कुछ बस एक AI टूल ने किया, और वो AI टूल का नाम है शॉर्ट मेक AI। अरे अरे रुको, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइस, आपको AI टूल का नाम सुनकर स्पॉन्सर लगते हैं, आप वीडियो छोड़ के चले जाते हो। गाइस स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और इतनी जबरदस्त AI टूल है कि आपको बता नहीं सकता, मैंने काफी ज्यादा हिस्टोरिकल शॉर्ट इससे बनाए जो मैं चैनल पे भी अपलोड करना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइज लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, जैसे आप लिंक पे क्लिक करके आओगे तो गाइज यहाँ आपको ऐसा इंटरफेस देखने मिल जाएगा। तो सिंपली गाइज आपको आना है स्टार्ट फॉर फ्री वाले ऑप्शन पे, जैसे क्लिक करोगे गूगल से साइन इन करने का ऑप्शन आ जाएगा, कर देना है, जिसके बाद आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे, उसके बाद क्रिएट वीडियो दबाना है। जैसे आओगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने भी आने वाला है, उसके बाद कैप्शन, स्टाइल, फुटेज, अलग अलग ऑप्शन देखने मिलेंगे, वो सब कुछ यही करेगा AI, हमको करना कुछ नहीं। यहाँ हमको टॉपिक लिखना है, उसके बदले वो यहाँ स्क्रिप्ट लिख के दे देगा हमको। तो सबसे पहले गाइज हम हमारा टॉपिक यहाँ लिखेंगे, या प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ हम सिंपली हमारे हिस्टोरिकल रिलेटेड शॉर्ट्स है, तो मुझे ना हिटलर के रिलेटेड शॉर्ट बनानी, इसलिए मैंने उसका डाल दिया यहाँ। उसके बाद 30-60 सेकंड जो आपकी शॉर्ट की ड्यूरेशन है वो दे सकते हो, मैंने ऑटो पे रखा है क्योंकि उससे थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और यहाँ स्टोरी स्टाइल भी मिलेगी, हमारी स्टोरी टाइप की वीडियो है तो हम स्टोरी टाइम ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी हिस्ट्री रिलेटेड शॉर्ट्स है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे ना गाइज, यहाँ ये खुद से स्क्रिप्ट लिखने वाला है, जनरेट स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। गाइज अब मैजिक देखना, जैसे मैं जनरेट स्क्रिप्ट पर दबाता हूँ गाइज, बूम, इतने फास्ट में स्क्रिप्ट लिख रहा है, मतलब बता नहीं सकता, इसका बीटा वर्जन है, उसके बावजूद यार इतनी फास्ट में स्क्रिप्ट लिख दी। तो गाइज कितनी जबरदस्त स्क्रिप्ट लिखी, इतनी फास्ट स्क्रिप्ट लिखी है गाइज इसने। साथ में अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमको या सिलेक्ट म्यूजिक का ऑप्शन देखने मिल जाता है, ऊपर लैंग्वेज का भी है, हिंदी लैंग्वेज भी अवेलेबल है, लेकिन हमने इंग्लिश ही रखा है क्योंकि USA बेस्ड चैनल है। तो गाइज यहाँ से हम ना बैकग्राउंड म्यूजिक भी देख सकते हैं, या अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये वाली देखते हैं, ये इतनी कुछ खास नहीं लगी, चलो और एक देखते हैं। हाँ गाइज ये वाली बढ़िया लगी थी मुझे, तो इसके बाद हम वॉइस ओवर पे भी जाएंगे, अलग अलग वॉइस ओवर भी देखने मिल जाएंगे, जैसे ये वाली सुनो। नहीं लेकिन गाइज इतनी खास नहीं लग रही है, और नीचे और ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, मेरी फेवरेट ये वाली है। तो ये वाली काफी बढ़िया थी गाइज, साथ में मैं ज्यादातर ना ये वाली यूज करता हूँ, ये वाली सुनो। Hi, I'm Matt. I specialize in creating TikTok content. तो गाइज ये वाली बहुत बढ़िया लगती है, मैं ज़्यादातर मेरे शॉर्ट्स में यही यूज़ किया हूँ, और अभी भी आपको यही करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ इमेज स्टाइल में देखो गाइज, ये ना खुद से गाइज AI ना इमेज भी जनरेट करता है, ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी, और इसमें अलग अलग स्टाइल दिखने मिलते हैं, हॉरर वालों के लिए तो बेस्ट है गाइज, लेकिन हम हिस्ट्री बनाने वाले हैं तो हिस्ट्री रिलेटेड शॉर्ट्स के लिए गाइज हम यहाँ देखेंगे हल्का हल्का सा ये क्या ब्लिंक हो रहा है, बता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन गाइज ये देखो इमेज ना सिनेमेटिक वाला काफ़ी बढ़िया इफेक्ट देता है। उसके बाद हम जनरेटिव वीडियो पर दबाएंगे, तो जैसे गाइज ये जनरेटिव वीडियो पर आएगा ना, 5-8 मिनट के अंदर ही आपकी शॉर्ट्स बनके रेडी हो जाएगी। साथ में बताना चाहता हूँ गाइज देखो इसमें आपको फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट्स आप नहीं रेडी कर सकते। सो गाइज जो भी सीरियस है ना ये AI को वेबसाइट को लेकर और चैनल ग्रो करना चाहता है ये निश में, तो उसके लिए गाइज मैंने गिव अवे रखा है जो लास्ट तक वीडियो देखेगा, और गाइज वो कोड जो भी बंदा कमेंट में गाइज कमेंट करेगा वो कोड के साथ, तो जो भी करेगा उनमें से 2 लकी विनर को मैं गाइज फ्री में मेरे तरफ से सब्सक्रिप्शन दिलवाऊंगा, ये वाली AI सॉफ्टवेयर का खुद खरीद के आपको दिलवाऊंगा। सो वीडियो लास्ट तक देखना और वो कोड याद से कमेंट में डालना, जिससे आप भी लकी विनर बन सकते हो।
तो गाइज हमारी शॉर्ट्स रेडी हो चुकी है, तो चलो गाइज एक बार इसका प्रीव्यू देखते हैं कि कैसे इसने शॉर्ट बनाई है। तो सिंपली गाइज यहाँ प्ले पे क्लिक करेंगे। Wondered about the lesser known facts of Adolf Hitler's life? Born in April 1889, he aspired to be an artist before his infamous rise to power. Did you know he was तो गाइज देख सकते हो कितने बढ़िया इमेज वगैरह इसने जनरेट किया और एनिमेशन वगैरह भी कैसे खुद ने एडिट किए, काफी जबरदस्त गाइज इसने शॉर्ट बनाई है। लेकिन और भी कुछ कुछ कमी है जो अभी हम पूरे करेंगे। सिंपली अगर हम कैप्शन पे आएंगे तो हमको यहाँ कुछ चेंजेस करना है स्क्रिप्ट में वगैरह कैप्शन में, तो यहाँ से हम कर सकते जो कैप्शन आ रहे वो। इसके अलावा स्टाइल में गाइज जबरदस्त सबटाइटल कैप्शन हमको दिखने मिल जाते हैं, कितने अलग अलग वैरायटी की दी गाइज, मतलब इतना जबरदस्त एआई टूल है गाइज। मैंने मेरे लाइफ में इतना खतरनाक वाला एआई टूल नहीं देखा है। देखो ये वाला कैसे लग रहा है, अब ये वाला देखो। हाँ तो गाइज ये वाला ही बढ़िया लग रहा है, तो हम यही रखेंगे। उसके बाद में फुटेज में आएंगे तो यहाँ से आप चाहे तो रिक्रिएट कर सकते हो इमेज को, ये खुद ही करके दे देगा। इसके अलावा गाइज आपको ना एक ऑप्शन देखेगा, ये देख रहे हो, इससे आप अगर क्लिक करोगे ना गाइज क्या मैजिक होगा, एकदम 3D डेप्थ आ जाएगा वो वाली इमेज पे। तो आपको मैं दिखाता हूँ, रुको। तो पहले का जिसको 3D रिप्ट कर लेंगे, इसको भी करेंगे, इससे क्रेडिट काफी जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन इफेक्ट जबरदस्त देता है। Lesser known facts of Adolf Hitler's life. Born in April 1889, he aspired to be an artist before his infamous rise to power. Did you know he... तो गाइज आपने देखा कितना जबरदस्त 3D डेप्थ इफेक्ट दे रहा था ये, और साथ में अगर ओवरलेस पे आएंगे ना गाइज यहाँ आपको ओवरलेस भी देखने मिल जाते हैं, मतलब कि ये पूरा एडिटिंग भी खुद करके दे रहता है, एक दो क्लिक पे पूरी वीडियो शॉर्ट्स अच्छे से एडिट हो जाती है विद ओवरलेस। तो गाइज क्या ही इफेक्ट आ रहा है। इसके अलावा गाइज ये एक जो कैप्शन है ना गाइज, ये सबटाइटल कैप्शन, ये भी आप हिला डुला सकते हो, जहाँ चाहिए वहाँ रख सकते हो, मतलब सारे अपॉर्चुनिटी इन्होंने दिए हमको। तो यहाँ मैं सेंटर में रखूँगा, तो देखो कुछ ऐसा लगता है, थोड़ा सेंटर से नीचे बॉटम में लाता हूँ, तो पर हम सेंटर में रखेंगे। इसके अलावा हुक्स का भी ऑप्शन है, मतलब कि गाइज आपको सब्सक्राइब वाला जो टेम्पलेट है ना वो आप लगा सकते हो। जैसे देखो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ 2-3 सेकंड पे लगाया, चाहे तो अपलोड भी कर सकते हो टेम्पलेट, तो यहाँ मैंने लगाया, देखो ये कुछ ऐसा आ रहा है गाइज, देख रहे हो ना कितना जबरदस्त है, मतलब कि इतना एआई खतरनाक वाला टूल है ना गाइज, इसकी तारीफ के रूप में कम है। Have you ever wondered about the lesser known facts of Adolf Hitler's life? Born in April 1889, he aspired to be an artist before his infamous rise to power. Did you know he was rejected twice by the Academy of Fine Arts in Vienna? His early years were marked by struggle and ambition. But what drove him to become one of history's most notorious figures? Stay tuned for more intriguing insights into the life of Adolf Hitler. Discover the unexpected twists that shaped his path. Don't miss the next chapter of this historical exploration. तो सिंपली गाइज एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट एंड डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हो, तो आपके मोबाइल में डाउनलोड भी हो जाएगा। तो गाइज मैं और एक आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, देखो मैं और एक शॉर्ट बना के दिखा रहा हूँ। इस बार ना गाइज हम लोग एक ये वाला फेमस पॉपुलर फैक्ट है बहुत पहले का हिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो मैं वो कर रहा हूँ, और साथ में इस बार भी स्टोरी स्टाइल के बदले हम ना ऑटो पे रखेंगे। अब लैंग्वेज आप चाहे तो हिंदी वगैरह भी रख सकते हो, हम इंग्लिश रखेंगे क्योंकि US बेस्ड चैनल है। तो यहाँ से गाइज मैंने स्क्रिप्ट भी लिखवा दी है, इस बार थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ जिससे आपका भी थोड़ा टाइम बचे। तो स्क्रिप्ट वगैरह भी काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। म्यूज़िक में यहाँ इस बार कौन से सिलेक्ट करूँ गाइज, ये वाली सुनते ज़रा, ये इतनी खास नहीं, ये वाली बढ़िया लगी। तो इसके बाद हम लोग ना गाइज वॉइस है तो वॉइस में ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, लेकिन लड़की की वॉइस सुनते जरा एक बार। Hi, I'm baby, and I'm a more realistic voice. नहीं गाइज इतनी खास नहीं लग रही, तो हम लड़के वाली ये वाली ही रखेंगे, और फिर से जनरेटर वीडियो पे जाएंगे, उसके पहले इमेज सिलेक्ट कर लेते गाइज। इस बार ना कुछ और इमेज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ अलग अलग टाइप की इमेज जनरेटर स्टाइल देखने मिल जाते जो मुझे ज़बरदस्त लगे गाइज, मतलब इतना एआई पावरफुल है ना गाइज बता नहीं सकता, और ये वाली एआई टूल तो मुझे नेक्स्ट लेवल लगी। तो ये भी हमने इमेज सिलेक्ट कर ली, अब जनरेटर वीडियो पे जाएंगे, फिर से ये कुछ ही मिनटों में गाइज हमारी शॉर्ट बना के दे देगा हमको। तो गाइज बन चुकी है, अभी एक बार हम लोग सुन लेते कैसी बनाई इसने। Times men had to duel for the chance to sleep with a queen. In a kingdom long forgotten, the queen's favor was a prize worth fighting for. Brave. तो इस बार भी गाइस काफी नेक्स्ट लेवल इसने इमेजेस का यूज किया और काफी बढ़िया शॉट बनाई है। अब थोड़े से सबटाइटल चेंज करके देखेंगे कि ये वाला सबटाइटल कैसा लग रहा है, ये वाला सबटाइटल कैप्शन मुझे बढ़िया लग रहा है। साथ में गाइस इस बार भी हम थोड़ा सा डेप्थ एनिमेशन देंगे दो दो इमेजेस को, ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि अपने पास क्रेडिट ज्यादा नहीं है गाइस। Do you know that in ancient times men had to duel for the chance to sleep with a queen? In a kingdom long forgotten, the queen's favor was a prize worth. तो देख सकते हो गाइस कितना डेप्थ एनिमेशन वाला इफेक्ट आ चुका है, और साथ में इसमें क्रेडिट ज्यादा नहीं मिलते अभी के टाइम, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो ज्यादा मिलते थे, लेकिन आज के टाइम काफी कम देते हैं ये लोग।
Did you know that in ancient times, men had to duel for the chance to sleep with a queen? In a kingdom long forgotten, the queen's favor was a prize worth fighting for. Brave knights would... तो आप अभी तक शॉट देख रहे हो तो ये कमेंट जरूर करना ये वाले कोड के साथ, तो आप जीत सकते हो। दो लकी विनर को मैं फ्री में इसका सब्सक्रिप्शन दिलवा दूंगा, जिससे आप काफी जबरदस्त शॉट्स ये एआई टूल से बना सकते हो। तो गाइस आपने देखा कितना ओवर पावर टूल है ये। और बस ना, कभी कभी मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं हमको खुद से लिखनी चाहिए या आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। जैसे ये वाली स्क्रिप्ट मैंने चैट जीपीटी से लिखवाई थी जो मुझे थोड़ी ज्यादा बेटर लगी, और जब मैंने ये वाली स्क्रिप्ट चैट जीपीटी वाली यहाँ इंक्लूड कर दी ना, ऐड कर दी, उसके बाद जो वीडियो बनी ना वो मेरी ज्यादा जबरदस्त वाली बनी। सो आप भी ये कर सकते हो कि चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा के बाकी सारा ये एआई टूल से करवा सकते हो, या खुद ये एआई टूल भी बढ़िया कर लेता है, लेकिन मैं थोड़ा चैट जीपीटी पे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।